हेलो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत उमदा चल रही होगी आज हम बात करने जा रहे हैं पचास ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं भारत चीन यूएसए कनाडा तो विश्व में मक्का की पेटी जो है पाई जाती है कहाँ पर यूएसए में अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए की जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसकी जो राजधानी है वो है वासीगटन डीसी चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा लाल रंग का दिखाई देने वाला जो ग्रह है यह है मंगल मंगल जो है ये लाल रंग का दिखाई देता है अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है कौन सा बृहस्पति और शनि की बात करें तो शनि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अगर हम शुक्र की बात करें दोस्तों तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है आपके एग्जाम में काफी बार ये भी पूछा जा चुका है कौन सा ग्रह शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है और सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है और इसके साथ ही आपके एग्जाम में अगर पूछ रहे कि शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है तो ये करती है दोस्तों पच्चीस दिनों में चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक रेखा के सार्वधिक निकट है तो भूमध्य रेखा के सार्वधिक निकट वाला जो देश है वो कौन सा है सिंगापुर सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सार्वधिक निकट है दोस्तों यहाँ पे भूमध्य रेखा की बात आई है तो आपको बता दें भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है कौन सी रेखा भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा काटती है ये भी आपके एग्जाम काफी बार पूछा कि भूमध्य रेखा को कौन सी रेखा काटती है तो भूमध्य रेखा को काटने वाली रेखा को कहते हैं कौन सी रेखा देशांतर रेखा बात करते हैं अगले प्रश्न की पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप है यह है अफ्रीका महाद्वीप और अगर बात करें एशिया की तो एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है कौन सा एशिया और एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम क्षेत्र वाला महाद्वीप है कौन सा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहां से एक प्रश्न और बनता है कि यूरोप महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये है जल प्रपात ये कहां पर है तो ये है वेंजुला में। वेंजुला में जो है ये है और ये है 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 में में देश जो स्थित और किस नदी पर स्थित है अगर आपसे पूछ ले तो कैरोनी नदी पर ये स्थित है अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंजिकल कुंजिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो यह है 455 मीटर ऊंचा है और यह किस नदी पर है यह वाराही नदी पर है और यह कहां पर है अगर आपसे पूछ ले तो ये कर्नाटक में है कहां पे कर्नाटक में चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य कनिष्क गुप्त कुमार ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने किस पुस्तक का लेखन किया था अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इन्होंने किया था कृष्ण चरित्रम कृष्ण चरित्रम पुस्तक का इन्होंने लेखन किया था तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां बात है समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त जो है छह प्रकार के सिक्के चलाए थे कितने छह प्रकार के सिक्के जो है समुद्र चलाए थे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं उन सिक्कों को पहला सिक्का चलाया था गरुण प्रकार धनुधारी प्रकार परशु प्रकार अश्वमेघ प्रकार व्याघ्र हनन प्रकार और वीड़ा वादन प्रकार कितने कितने छह प्रकार के कौन कौन सा गरुण प्रकार धनुधारी प्रकार परशु प्रकार अश्वमेघ प्रकार व्याघ्र हनन प्रकार और वीड़ा वादन प्रकार ये छह प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे समुद्र गुप्त ने चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल इनमें से कोई नहीं तो ध्यान दीजिएगा दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है अपकेंद्रीय बल कौन सा अपकेंद्रीय बल जो है दूध से क्रीम निकालने में लगता है बात करते हैं अगले प्रश्न की एक, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है कितना 80 से 120 80 से 120 जो है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है बात करते हैं अगले प्रश्न की अंतिम मौर्य सम्राट कौन था तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे वृह दर्थ वी दर्थ जो थे ये अंतिम मौर्य सम्राट थे बात आई यहाँ पे मौर्य सम्राट की तो मौर्य सम्राट का जो समय अवधि था वो कितना था 322 से एक ईसा पूर्व यानी 322 ईसा पूर्व से एक ईसा पूर्व ये मौर्य का जो है समय काल था अगर इनके कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो प्रथम शासक हुए थे कौन समुद्रगुप्त उसके बाद हुए थे बिंदुसार और सबसे महत्वपूर्ण शासक में थे अशोक अशोक ने दो ईसा पूर्व में ये गद्दे पर बैठे थे चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था तो आपके पास ऑप्शन है सारनाथ बहुत गया लुम्बनी कोशीनगर तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था अब बात करें बोध गया में इन्होंने क्या किया था तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या थी क्या हुई थी ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पे हुई थी कहा में और लुम्बनी की बात करें तो लुम्बनी में इन्होंने जन्म लिया था कहा लिया था लुम्बनी में क्या लिया था जन्म और अगर हम बात करें कि कोशीनगर में क्या हुआ था तो कोशीनगर में इन्होंने अपने प्राण को क्या कहा था कब तय किया था चार ईसा पूर्व में चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की इंद्रधनुष कैसे बनता है प्रकाश के परावर्तन से प्रकाश के अपवर्तन से अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाश के विवरण से तो ध्यान दीजिएगा इंद्रधनुष जो है ये बनता है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या बनता है इंद्रधनुष बात करते हैं अगले प्रश्न की महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है ये किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था बात करते हैं अगले प्रश्न की भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान तो ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान में जो संघवाद दिया गया है ये लिया गया है कहां से कनाडा से कनाडा से जो है भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है बात करते हैं अगले प्रश्न की विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है लोहा यूरेनियम तामा या ये सभी तो ध्यान दीजिएगा विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमेशा यूरेनियम का प्रयोग होता है जिसका यूरेनियम का प्रयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है बात करते हैं अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है पीलिया तपेदिक चेचक ये सभी तो ध्यान दीजिएगा बैक्टीरिया से हमेशा तपेदिक होता है कौन सा तपेदिक दोस्तों अगर आप चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लास्ट को लाइक भी कर दें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है तो ये होता है किसके द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है बात करते हैं अगले प्रश्न की विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं माशिम राम चेरापूंजी अमेजन घाटी रियूनियम तो ध्यान दीजिएगा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो देश है वो है माशी राम माशी राम जो है ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है बात करते हैं अगले प्रश्न की रेगिस्तान में बादल औक्षेप होकर क्यों नहीं बरतते है? तो हैं तो ध्यान दीजिएगा रेगिस्तान में बादल औक्षेप होकर नहीं बरतते उसका क्या कारण है कम दबाव के कारण कम आर्द्रता के कारण हवा की दुर्द गति के कारण कम तापमान के कारण तो ध्यान दीजिएगा रेगिस्तान में बादल औक्षेप होकर नहीं बरतते उसका कारण है कम आर्द्रता के कारण बात करते हैं अगले प्रश्न की अर्थशास्त्र किसकी रचना है चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर की चाणक्य के की तो अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य की रचना है किसकी चाणक्य की रचना जो है अर्थशास्त्र है अगर आपसे एग्जाम में पूछता है इंडिका किसकी रचना है तो इंडिका जो है ये मेगस्थनीज की रचना किसकी मेगस्थनीज की रचना जो है इंडिका है बात करते हैं अगले प्रश्न की इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है माध्यम मापन भुगतान लेखन एवं संपादन तो ध्यान दीजिएगा लेखन एवं संपादन जो है यह मुद्रा के कार्य नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है बात करते हैं अगले प्रश्न की किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है नेपाल पाकिस्तान चीन बांग्लादेश तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है किसके साथ बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के, के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है बात करते हैं अगले प्रश्न की लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था इब्राहिम लोधी दौलत खान लोधी सिकंदर लोधी बहलोल लोधी तो लोधी खान वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था इब्राहिम लोधी दोस्तों आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि लोधी वंश जो है या क्या कह सकते हैं लोधी वंश का जो समय काल था ये कब से कब तक था इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की गांधी एवं समझौता को और किस नाम से जाना जाता है तो गांधी समझौता को गांधी समझौता दिल्ली समझौता समझौता या कानपुर समझौता तो गांधी समझौता को दिल्ली के नाम बड़ा महाकाव्य कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है महाभारत महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है बात करते हैं अगले प्रश्न की सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किया था आपके पास ऑप्शन दिया गया सक यवन गुप्त मौर्य तो ध्यान दीजिएगा यवनों के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे किसके द्वारा यवनों के द्वारा जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय पार्क राजा जी राष्ट्रीय पार्क या जीम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क तो ध्यान दीजिएगा जीम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है आपको ऑप्शन नंबर डी सही है बात करते हैं अगले प्रश्न की किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में तो ध्यान दीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है बात करते हैं अगले प्रश्न की पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण वार्षिक गति के कारण छमाही गति के कारण तिमाही गति के कारण तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं ये क्यों होते हैं दोस्तों तो ये दैनिक गति के कारण दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं बात करते हैं अगले प्रश्न की प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहा हुआ था नई दिल्ली में लंदन में बंबई में इनमें से कोई नहीं तो ध्यान दीजिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कहा हुआ था लंदन में लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था बात करते हैं अगले प्रश्न की पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है 22 जुलाई 30 जनवरी 4 जुलाई इक्कीस सितंबर तो ध्यान दीजिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है वो चार जुलाई को होती है कब चार जुलाई को बात करते हैं अगले प्रश्न की गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद तो ध्यान दीजिएगा जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है ऋग्वेद से बात करते हैं अगले प्रश्न की हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है किस लिपि में देवनागरी लिपि में जो है हिंदी भाषा लिखी जाती है बात करते हैं अगले प्रश्न की मटर पौधा क्या है पुष्प साग झाड़ी इनमें से कोई नहीं तो ध्यान दीजिएगा जो मटर का पौधा होता है ये क्या है ये साग है साग जो है ये मटर का पौधा होता है बात करते हैं अगले प्रश्न की फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है पुष्पक्रम पत्तियां जड़ या ए और बी दोनों तो ध्यान दीजिएगा फूल गोभी के पौधों का हमेशा पुष्प क्रम खाया जाता है क्या खाया जाता है पुष्प क्रम जो है फूल गोभी के पौधों का खाया जाता है बात करते हैं अगले प्रश्न की मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था आगा खां हसन खां हमीद खां कोई नहीं तो ध्यान दीजिएगा मुस्लिम लीग का अगर आपसे पूछ ले में कि कौन थे, तो थे आगा खां जो है ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप ये काम दोनों कर लीजिए फटाफट क्योंकि अगर आप क्लास को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो का और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी क्लासेस हमारे आते हैं हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे चलिए बात करते अगले प्रश्न की भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के निगम यानी ओ का मुख्यालय कहां स्थित है गुहाटी में गुवाहाटी में देहरादून में मुंबई में तो भारत के तेल और प्राकृतिक गैस जिसे हम ओ के नाम से जानते हैं इसका मुख्यालय है, देहरादून में स्थित है कहाँ पे देहरादून में जो है का मुख्यालय स्थित है बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए काफी बार यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो भारत का पहला गणतंत्र बजट किसने पेश किया था यह किया था जान मथाई ने कब किया था उन्नीस में बात करते हैं अगले प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो किया गया था कहां पे? मुंबई में मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बात करते हैं अगले प्रश्न की अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है यह किया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में किस क्षेत्र में खेल कूद के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है बात करते हैं अगले प्रश्न की पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है तो ध्यान दीजिएगा पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ है वो कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों क्लोरोफिल बात करते हैं अगले प्रश्न की गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा सिद्धि बशीर जामा मस्जिद इनमें से कोई नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान दीजिएगा गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था किसका बुलंद दरवाजा का बात करते हैं अगले प्रश्न की हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहां स्थित है गुजरात महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान तो कालीन स्थल जो है लोथल ये स्थित है कहां पे गुजरात में बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की अगर आपसे सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह है गंगा गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी अगर सहायक नदी की बात करें तो यह है यमुना यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है किसकी सहायक नदी है यह गंगा की सहायक नदी है बात करते हैं अगले प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी उमा भारती सुष्मिता सेन एम फातिमा बेबी णम मलेश्वरी तो ध्यान so, दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वो थी एम फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी बात करते हैं अगले प्रश्न की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे राकेश शर्मा कल्पना चावला सुनीता विलियम्स या अन्य तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे राकेश शर्मा राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय जो है अंतरिक्ष यात्री थे बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत खंड भारत का क्या है दूसरा नाम राष्ट्रीय सभ्यता या तो भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है क्या नाम है भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है बात करते हैं अगले प्रश्न की विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कावेरी डेल्टा कृष्णा डेल्टा गोदावरी डेल्टा तो ध्यान दीजिएगा विश्व का, का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है बात करते हैं अगले प्रश्न की विटामिन सी का सबसे अच्छा सूत्र क्या है संतरा नीबू नारंगी आंवला तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सूत्र माना जाता है वो माना जाता है जिसे आंवला को आंवला को जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा सूत्र माना जाता है बात करते हैं अगले प्रश्न की प्रति वर्ष किसकी स्मृति में तेरह फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इंदिरा गांधी की लक्ष्मीबाई की सरोजनी नायडू की कमल नेहरू की तो ध्यान दीजिएगा सरोजनी नायडू की स्मृति में हर वर्ष जो है तेरह फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है किसके सरोजनी नायडू दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की यानी आज के अंतिम प्रश्न की जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और इसके साथ आप बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर से बहती है तथा अरब सागर में गिरती है नर्मदा गंगा महानदी गोदावरी इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसके साथ आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप हमें बताएं आपने पूरे इस क्लास में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया दोस्तों ये भी आप हमें बताना ना साथ में बताना चाहेंगे जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी क्लास है, जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको पहले मिल जाए क्लास को शेयर कर दीजिएगा धन्यवाद दोस्तों जय हिंद मातरम